हेलो, चैप्टर 1074 इज़ हियर अनऑफिशियली, मैं भी हियर है ऑफिशियली। लैंडी जोक नंबर 1, लेट्स गो। कैसा लगा है चैप्टर मुझे? ठीक है, अच्छा ही था, और आई शुड से बुरा नहीं था। डिटेल में बात करते हैं ऑन दिस चैप्टर आफ्टर दिस इंट्रो, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मार्क 3 IE, ये नए वाले पैसिफिस्टास। कूल भाई, बाउंसर से लग रहे लमाओ सब। मतलब पहले वाले भी बाउंसर ही लगते थे, बट ये वाले ज़्यादा लग रहे हैं। द यूनिफॉर्म एंड द शेड्स, यू नो, ये नए वाले 50 पैसिफिस्टास आ रहे एग हेड, मतलब ये एग हेड में ही है, बट ये वेगापंक के पास जा रहे हैं उसकी हेल्प करने। एंड इन्हें बुलाया है हमारे सेंतमारू चीचा ने, जो अपेरेंटली जिंदा है अभी भी और ऐसे हालत में भी है कि ऑर्डर पास कर सकता है। नाइस। These new pacifistas also use some sort of slimy thing as a shield. मुझे पर्टिकुलर चीज़ अच्छा लगा, एंड बढ़िया है कि वेगापंक को स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ पैसिफिस्टास मिल रहे हैं, अच्छा ही है। बट इधर पर मेरा क्वेश्चन है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका भी अथॉरिटी वाला हेरार्की सा है, जस्ट लाइक सेराफिम? अगर ऐसा है तो फिर भाई सेंतोमारू ने हग दिया है इधर, क्योंकि सैटन चीचा फिर इनको भी यूज़ करेगी अगेंस्ट वेगापंक अगर वो अंदर आता है तो। दैट इज स्टसी, जोरो, ब्रुक, इन तीनों को भी थीम ड्रेस मिल गया है इस आर्क का। स्टसी लुकिंग फायर, बट भाई नो वन कैन इवन कम क्लोज टू द रिज गॉड ब्रूक। भाई क्या फाड़ दिख रहा ब्रूक। सोरो ऑल्सो लुकिंग गुड। एंड गाइस, आई गेस लूफी के गियर 5 का एक साइड इफेक्ट हमें पता चल गया है। आई मीन, ये पता तो हमें पहले चल गया था, बट अब कन्फर्म हो गया है। दैट इज, ही फील्स फटीग आफ्टर यूजिंग गियर 5, और आई शुड से हिज हाइब्रिड फॉर्म। वानो में बहुत देर तक लूफी गियर 5 में काइडो से लड़ा था, इसलिए उस टाइम वो एक हफ्ते तक सोया था। इस बार थोड़ा सा ही गियर 5 यूज़ किया उसने, और इसको भाई देखो थकावट सा हो रहा है एकदम ज़्यादा ही। लाइक प्रीटी नाइस साइड इफेक्ट आई मस्ट से। सारे स्ट्रो हैड्स एक्सेप्ट लूफी जोरो निकल गए रियल वेगापंक को खोजने। अब इधर पर कोई नहीं बोलेगा कि ओडा ने जोरो लॉस्ट और लूफी के फटीक को लैंडी में भी यूज़ किया है लूफी जोरो वर्सेस लुच्चिकाकू का अपकमिंग फाइट दिखाने के लिए। बाय द वे, डिड यू नोटिस कि इस चैप्टर में हथौड़ी कबूतर कहीं नहीं दिखा है? ओडा हथौड़ी के थ्रू कुछ हरकत करवाने वाला है आई थिंक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉनी। बॉनी कुमा के मेमोरी के अंदर दिखी है, एंड ब्रह कुमा का पास्ट भी ट्रॉमेटिक था। लेट्स गो, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक सैड पास्ट किसी कैरेक्टर का देखने मिलने वाला है हमें। नाइस। इस चैप्टर में तो भाई ऑब्वियसली पूरा पास्ट नहीं दिखाया हमें कुमा का। बॉनी से कुमा की पिटाई देखा नहीं गया, तो वो रोते रोते बाहर निकल गई, सैड। ओडा को अभी भी इस चीज़ को मिस्ट्री रखना है, क्या बोल सकते हैं। कुमा जो भी स्पेशल स्पीसीज का बंदा है, आई गेस उस स्पेशल स्पीसीज के होने की वजह से ही इसके साथ पास्ट में ऐसा हुआ है, इतने लोग इसको इसलिए पीटे हैं। एंड जजिंग फ्रॉम द वे ही इज़ क्राइंग इन दिस मेमोरी, इसके साथ ये अब्यूज़ बहुत बार हो चुका है। किसी प्लेस में नहीं जाने की बात किया है बच्चा कुमा। आई वंडर ये सुअर लोग कुमा को कहाँ भेजना चाहते थे। एंड ये लोग जो मार रहे हैं कुमा को, ये मोस्ट लाइकली ह्यूमंस ही है, क्योंकि इनका साइज़ एज़ कम्पेयर टू कुमा हद छोटा है। वन पीस वर्ल्ड के रेसिज्म का एक और एग्जांपल दिखा रहा है ओडा शायद हमें। लास्ट में बॉनी फिर से मेमोरी बबल के अंदर घुसने के लिए हाथ बढ़ाते हुए दिखी है, तो आई थिंक हमें कुमा का पास्ट के बारे में आने वाले कुछ चैप्टर्स पे पता चल जाएगा। लेकिन ओडा है भाई ये, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी बॉनी के वापस मेमोरी बबल में हाथ डालने से पहले ही वेगापंक आकर उसको रोक देगा। अरे वेगापंक गायब कैसे हुआ? लेकिन कहाँ हुआ है वो गायब? लाइक वो तो बस छोटा हो गया था ना। बॉनी उसको कहीं बांध बांध के रख दिए क्या? कहीं छुपा उपा दिए क्या? मे बी, क्या पता भाई, बॉनी हरकतें कर सकती है, वी डोंट नो। बाय द वे गाइस, मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं था, क्योंकि पहले एलाई रिवील नहीं हुआ था, बट एगहेड लैब का डिफेंस गिरा कैसे? जब मैं इस चैप्टर का स्पॉयलर्स रीड कर रहा था ना रेडिट पर, तब वहाँ पर अनकन्फर्म्ड स्पॉयलर्स में ट्रेटर है एगहेड में ऐसा लिखा था। अब चैप्टर में तो कोई ट्रेटर का मेंशन हुआ नहीं है, बट आई रियली थिंक दैट एक्चुअली में एगहेड में अभी भी एक ट्रेटर है, और उसी ट्रेटर ने डिफेंस डाउन किया था लैब का। ये ट्रेटर स्ट्रोहैट्स में से तो कोई हो नहीं सकता ऑब्वियसली। ससी भी ट्रेटर नहीं है, वो तो बाहर थी लैब के। रियल वेगापंक भी पॉसिबल नहीं है। पंक 1 तो अभी भी फुल कोशिश कर रहा है इधर से निकलने की, तो वो भी ट्रेटर नहीं हो सकता। पंक 4 पे इस चैप्टर पे अटैक हुआ है, तो वो भी नहीं हो सकता। पंक 5 पे लुच्ची चढ़ गया था। पंक 2, पंक 3, पंक 6, मुझे लगता है कि इन तीनों में से ही कोई ट्रेटर है। मोस्ट लाइकली पंक
6, क्योंकि पंक 2 और पंक 3 भी स्ट्रॉ हैट्स के साथ ही थे, बट पंक 6 डल सी लेजी सी है, वो इनके साथ नहीं थी राइट कुछ टाइम पहले तक, मे बी वही दोगली है। उसके अलावा तो और कोई हो नहीं सकता मेरे हिसाब से, सेरेफिम तो कमांड से चलने वाले हैं, सेंतोमारो तो खुद पिटा हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि हथौड़ी सर डिंग डिंग करते हुए उड़ के डिफेंस गिराने वाला बटन दबा के आ गए। लैंडी जोक नंबर 2, लेट्स गो। स्टिल आई थिंक पंक 6 इज द ट्रेटर, क्योंकि बाकियों के पास कोई चांस ही नहीं था दोगला हरकत करने का। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट मोर्गन्स। ये दल्ला दिखा है विथ वेपोल, वो ड्रामा आइलैंड वाला राजा जो बाद में रईस हो गया था समहाउ, आई डोंट रिमेंबर। एंड इन दोनों दल्लों के साथ है हमारी वीवी, विच इज़ वियर्ड आई मस्ट से। वीवी इनके साथ क्या कर रही है पता नहीं भाई, एंड आई एम नॉट श्योर, बट वीवी मिसिंग थी ना शायद, अगर हाँ तो ऐसा हो सकता है कि रेवरी के बाद वीवी को साबो ने शायद से वेपोल मोर्गन्स के पास छोड़ दिया, उसको शायद पता था कि वीवी ये दोनों के लिए कंटेंट है इसलिए ये दोनों उसको प्रोटेक्ट करेंगे शायद। लेकिन फिर वीवी इतने एटीट्यूड में क्यों दिख रही है, साबो ने किसी तरीके का डील किया है क्या मोर्गन्स से, मे बी। एंड वीवी मैंने सोचा था कि रोध हो रही होगी कोबरा के डेथ के चक्कर में, बट ये तो लूफी को डिफेंड करते हुए दिखी है भाई, वो भी चौड़ में, लाइक व्हाट द फक भाई। फनी थिंग इज कि मोर्गन्स ने खुद भी यही बोला है कि कल तक रो रही थी और आज एटीट्यूड दिखा रही है। नकली न्यूज छापने की बात करते हुए दिखा है मोर्गन्स, लूफी किडनैप किया है वेगापंक को एंड मरीन्स पे ऑल आउट वॉर डिक्लेयर किया है। ये हेडलाइन अगर मोर्गन्स छापता है तो आई एम श्योर भाई लूफी का बाउंटी इस चीज से बहुत बढ़ेगा, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपलिफ्टमेंट इन लूफीज बाउंटी। अपलिफ्टमेंट सही वर्ड है कि नहीं आई डोंट नो भाई। एंड वीवी थोड़ी गवार है क्या, चौड़ में बोल रही है कि लूफी कभी किसी को किडनैप नहीं कर सकता भाई, सेजर क्राइंग इन कॉर्नर। ए लंडी जोक नंबर 3, लेट्स गो। इन सारे हरकतों के अलावा तो आई गेस कुछ और हुआ नहीं है, नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है, नाइस। कुमा के पास्ट को मैं और देखना चाहता हूँ, लूफी जोरो वर्सेस लुचिका को जल्दी देखने मिलेगा आई थिंक राउंड 2 ऑफ एगहेड आर्क। क्या पंक 6 ही ट्रेटर है, आई वॉन्ट टू नो दैट टू। कि जरू और सैटन डोकरा क्या कर रहे हैं अभी भी, और वो अभी तक क्यों नहीं आया मुझे ये भी जानना है। हथौड़ी कबूतर जा करके कहीं और जाने वाला है क्या, आई वॉन्ट टू नो दैट टू। ए लैंडी जोक नंबर 4, लेट्स गो। एंड दैट्स इट, अब नेक्स्ट वीडियो में ये आवाज़ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।